सूत्रों के हवाले से हालांकि ये खबर है, लेकिन राजभवन में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के लिए राजभवन में तैयारियां शुरू हो गई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। नायब सैनिक मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द होने की बात सामने आ रही है। मंत्रिमंडल विस्तार के लिए राजभवन में तैयारियां की जा रही हैं, सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है। सीएम नायब सैनी दिल्ली में हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है, राजभवन में तैयारियां चल रही हैं, कैबिनेट का विस्तार जल्द ही संभव है। कैबिनेट का विस्तार आज ही हो सकता है, जिस तरह की खबर सामने आ रही है। राजभवन में तैयारियां चल रही हैं, यानी कि कैबिनेट का विस्तार बहुत जल्द होगा। सूत्रों के हवाले से खबर, रवि कालीरमन हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। रवि, क्या कुछ ज्यादा जानकारी, क्योंकि मुख्यमंत्री दिल्ली में है लेकिन राजभवन में तैयारियां कैबिनेट विस्तार की चल रही। बिल्कुल हितेंद्र, देखिए सूत्रों के हवाले से जो बड़ी जानकारी मिल पा रही है, नायब सैनी मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो जल्द हो सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार के लिए राजभवन में तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे लौटने के बाद जल्द मंत्रिमंडल में विस्तार होने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। करीब 7 विधायकों को मंत्री पद की शपथ जो है वो दिलाई जाने की ऐसी सूचना जो है वो मिल पा रही है। इन 7 विधायकों की अगर बात की जाए, 2 से 3 निर्दलीय विधायक कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। देखना होगा कि ये जो कार्यक्रम है ये आज शाम होता है या कल होता है, ये देखने वाली बात है। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल पा रही है, तो मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो जल्द हो सकता है। जी बिल्कुल, वहां पर फिलहाल किस तरह की तैयारियां हैं, क्या इस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही है कि आज ही शाम तक मंत्रिमंडल का विस्तार हो या फिर 1-2 दिन बाद मंत्रिमंडल का विस्तार संभव है? देखिए, कहीं ना कहीं जिस प्रकार की जो जानकारी मिल पा रही है, मुख्यमंत्री जो नायब सैनी है वो दिल्ली गए हैं और दिल्ली प्रधानमंत्री के साथ उनकी मुलाकात हुई है, तो उसके बाद जो जानकारी निकल करके सामने आई है, जल्द कभी भी, यानी कि कभी भी ये मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो हो सकता है और उसके लिए तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई है। जी, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी, क्या किसी विधायक को इस बारे में सूचित किया गया है, उनको बुलाया गया विधायकों को कैबिनेट विस्तार के लिए? देखिए हितेंद्र, अभी इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि जब मंत्रिमंडल का विस्तार, जो मंत्रियों ने शपथ ली थी, मुख्यमंत्री नायब सैनी का शपथ ग्रहण समारोह था, उसमें 5 मंत्रियों की तरफ से शपथ ली गई थी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम मंत्रियों को उस वक्त मौके पर ही पता चला था कि कौन कौन विधायक जो है वो मंत्री के पद की शपथ लेने वाला है। तो इस प्रकार की जो जानकारी मिल पा रही है, जब ये शपथ ग्रहण समारोह होगा उससे कुछ देर पहले ही तमाम जो मंत्री हैं उनको सूचित किया जाएगा जिनका नाम मंत्री मंडल में शामिल हो सकता है। तो अभी तक इस प्रकार की कोई पुख्ता जो जानकारी है वो नहीं मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं जो जानकारी मिल पाई है सूत्रों के हवाले से, जो बड़ी जानकारी मिल पाई है वो ये जानकारी मिल पाई है कि मंत्रिमंडल का विस्तार कभी भी हो सकता है। जी, निर्दलीय विधायकों के बारे में क्या कुछ जानकारी, क्योंकि परसों बुलाया गया था उनको वहां चंडीगढ़, और उसके बाद विधानसभा का भी विशेष सत्र बुलाया गया, तो चंडीगढ़ में रहे निर्दलीय विधायक, लेकिन फिलहाल क्या जानकारी है, क्या निर्दलीय विधायक अभी भी चंडीगढ़ में ही है या फिर अपने अपने क्षेत्रों में पहुंच चुके हैं? देखिए, कुछ एक विधायक चंडीगढ़ में है और कुछ एक विधायक अपने अपने क्षेत्रों में पहुंचे हैं, लेकिन जैसे ही सूचना उनको कहीं ना कहीं भेज दी जाएगी, जब मंत्रिमंडल में उनका नाम शामिल किया जाएगा, तो उसके तुरंत बाद तमाम विधायक जो है जो अपने क्षेत्रों में गए हैं वो चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो मंत्रिमंडल के विस्तार की जो संभावना जताई जा रही है वो बहुत जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो हो सकता है, और कहीं ना कहीं जो जानकारी मिल पाई है सूत्रों के हवाले से, जो जानकारी मिल पाई है उसके हिसाब से मंत्रिमंडल का विस्तार कभी भी हो सकता है। आज मुख्यमंत्री के चंडीगढ़ दौरे, माफ कीजिएगा, दिल्ली दौरे के बाद जब मुख्यमंत्री चंडीगढ़ पहुंचेंगे उसके बाद तमाम चीजें जो है वो क्लियर हो पाएंगी किस किस प्रकार से मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो होना है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया फिलहाल रवि, तमाम जानकारी देने के लिए।